हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मेरे आज के न्यू ब्लॉग में देख सकते हैं, आज हम नानी के घर घूमने जा रहे हैं। और ये मेरी मम्मी जा रही है, नानी और आपको भाई ब्लॉग में बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल सके। हम कहाँ जा रहे हैं ब्लॉग में देख सकते हैं। हम भागलपुर जंक्शन आएगा तो देखना, तब तक के लिए आप बेल आइकन और लाइक सब्सक्राइब करें। ऑटो चलता तो भाई जाम तो मत पूछो। अभी आपको दिखेंगे कितना जाम लगता है भागलपुर जंक्शन में। और बाहर में रेलवे स्टेशन है तो इसीलिए ट्रेन आती रहती है और भीड़ लगता रहता है वहाँ पर। यहीं पे अभी ऊपर से जाएंगे, देख सकते हैं ये भागलपुर रेलवे स्टेशन। अभी हम यहाँ से पुल के ऊपर से जाएंगे ऑटो या बैटरी वाले रिक्शा पकड़ने। ऐसा जाम लगा रहता है चाहे दिन में है चाहे दोपहर में। पुल का नाम देख सकते हैं लोहिया पुल कहते हैं पुल को। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ग्रीनरी है। उतर गए, अब हम गोनू धाम हाट में आ गए। धाम का है पेड़। इस रोड को फुलवरिया कहते हैं, देख सकते हैं आप। जो लोग यहाँ पे नहीं आए देख सकते हैं हमारे, और जो लोग इस रोड को जानते हैं बिहार के तो कमेंट करें। देख सकते हैं अब यहाँ से हमें बहुत दूर जाना है पैदल। देख सकते हैं यहाँ पे आम का बगीचा है, पूरा आपको आम ही का बगीचा दिखेगा आपको यहाँ पे, देख सकते हैं। देख सकते हैं अभी हमें यहाँ बहुत दूर जाना है। देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बकरी प्यारे से, फिर से धान की फसल। और देख सकते हैं यहाँ पे आते आते बहुत दूर है लग रहा है। देख सकते हैं परोल खान का जिस, देख सकते हैं एक और मंदिर है यहाँ पे, पपीते का पेड़ है। अब हम यहाँ से सीधा आ जाएंगे इस गली में। तेरा रेलवे क्रॉसिंग यहीं से जो गोनू धाम है भागलपुर सबसे, यहाँ पे ट्रेन आती है देख सकते हैं आप। देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग आ गई। देख सकते हैं यहीं से अब नीचे से जाना पड़ेगा हमें इस कुछ जाएंगे इधर से जल्दी स्पीड में भाग।
पागल बैंड बजने वाली है, बैंड बजा जूते की। तुम सब कितना तेज भागते हो, देख सकते हैं। अब हम पूरे देहात में आके जिसे कहते हैं देहात, देख सकते हैं अब हम पहुंचने वाले हैं इतनी स्ट्रगल करने के बाद। देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं, देख सकते हैं हम यहीं पे आए आज घूमने। सकते कद्दू हुआ है यहाँ पे, और ये सीम का पेड़ है, देख सकते हैं आप वाइट वाला। हम छत पर जा रहे हैं यहाँ से, देख सकते हैं और कितना सारा कद्दू यहाँ पे छोटे छोटे। आप देख रहे हो पूरा, ये हमारी नानी का है धान रोपी, देख सकते हैं हम देखने आए थे। और ये आम का भी पेड़ उन्हीं का है, देख सकते हैं आप। जैसा देखा कि मैंने धाम में पूजा कर लिया, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। आपको हमने कल ही बताया था, हम नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाए हैं मंगलवार को पूजा करने, देख सकते हैं मेरा भाई, देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा रेस्ट, तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते समाप्ति। तब तक मिलते हैं आपको, हम नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।